अस्सलाम वालेकुम अच्छे व्यूवर्स, ये सिस्टम है 755 डेल का, ऑप्टीफ्लेक्स 755। इस सिस्टम का मसला ये है कि जब इसको पावर लगाओ तो सिस्टम बीप दे रहा है। हालांकि इसकी 3 रैम्स लगी हुई भी हैं, लेकिन फिर भी डिस्प्ले देते वक्त ये बीप दे रहा है। ये बीप दे रहा है। बेसिकली जो बीप देने का मकसद ये है कि आपकी रैमों के ये जो पेयर बने हुए हैं ना, यानी वाइट के साथ वाइट और ब्लैक के साथ ब्लैक, ये पेयर गलत बने हुए हैं, जिस वजह से रैम की बीप आ रही है। या तो ये एक, या दूसरा नंबर ये है कि इन तीनों रैमों में से कोई एक रैम मदरबोर्ड के साथ मैच नहीं हो रही, जिस वजह से आपका बोर्ड बीप दे रहा है। तो वो चेक करते हैं कि कौन सी रैम मसला कर रही है इन तीनों में से। मैं बारी बारी, सबसे पहले मैं ये वाली रैम उतारूंगा, ये वाली, ये दो रैम लगी रहे। अब मैं पावर लगाऊंगा और चेक करूंगा कि स्टेटस क्या है सिस्टम का। ये ऑफ हो गया, वो सिस्टम का डिस्प्ले आ गया। इसका मतलब है कि ये जो आपकी थर्ड रैम है, जो इस स्लॉट में लगी हुई थी सबसे आखिर में, ये रैम मसला कर रही थी। डेल के जितने भी सिस्टम हैं, इनमें रैम का आपस में पेयर बनाना लाजमी है। पेयर बनाने का मतलब ये है कि आपकी ये 4 स्लॉट्स हैं, वाइट और ब्लैक। अगर आपने फर्स्ट पहली रैम ब्लैक में लगाई है, तो दूसरी रैम आपने वाइट में ही लगा ली, क्योंकि वो आपका पेयर नहीं बनेगा। पहली रैम अगर ब्लैक में लगी है, तो दूसरी भी ब्लैक में लगानी है। इसी तरह अगर पहली रैम आपने वाइट में लगाई है, तो दूसरी आपने वाइट में लगानी है। अगर आप ब्लैक में लगाएंगे, तो वो पेयर ना बनने की वजह से आपका सिस्टम टिप डिस्प्ले कभी भी नहीं देगा। अभी ये 2 रैम इसके अंदर ऑलरेडी लगी हुई हैं। अच्छा, ये रैम्स हैं, अभी आपके सामने ये 4 GB शो हो रही है। 1 GB की 2 लगी हुई हैं और 2 GB की 1 लगी हुई है। मैंने पहले 1 GB के साथ दोनों का पेयर बनाया, मतलब एक ब्लैक के साथ, फिर दूसरी ब्लैक लगाई, फिर डिस्प्ले लिया, उसके बाद फिर तीसरी लगाने के लिए मैंने वाइट में लगाई। अगर आप पेयर मेंशन नहीं करेंगे, तो सिस्टम आपका कभी डिस्प्ले नहीं देगा। फर्दर अगर सिस्टम डिस्प्ले आपका दे देता है, तो रैम में आपस में कन्फ्लिक्ट करती रहेंगी, सिस्टम आपका या तो बार बार रिस्टार्ट होता रहेगा या सिस्टम ऑन होके बंद होता रहेगा। तो डेल के 755, 760, 745, 780, ये 3 से 4 सिस्टम जो भी है, इनके अंदर ज़्यादा सिस्टम का मसला यही आता है। डेल के तकरीबन जितनी भी सीरीज़ हैं, इनके अंदर रैमों के पेयर बनाना लाजमी है। रैमों के पेयर नहीं बनाएंगे, तो सिस्टम डिस्प्ले देने में प्रॉब्लम करेगा। तो ये आज छोटी सी वीडियो थी जो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। फॉल्ट छोटा सा है, लेकिन ट्रेस करते हुए टाइम लगता है उनके लिए जिनको पता ना हो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ आज, ताकि आप लोगों को पता हो कि अगर फर्दन किसी डेल के सिस्टम में ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप इजीली इस वीडियो के ज़रिए अपना मसला हल कर सकें। थैंक यू।